नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको हमारे चैनल डूम टू एक्सप्लोर में। आज हम आपको लेकर चलेंगे एक अद्भुत और आध्यात्मिक यात्रा पर इस्कॉन बेलवुड हिल बैंगलोर में। इस्कॉन बेलवुड हिल बैंगलोर के कनेक्टर रोड पर स्थित है। ये मंदिर अपने सुंदर प्राकृतिक परिवेश और आधुनिक परंपरा वास्तुकला के लिए प्रसिद्ध है। जिन्होंने भी हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं, प्लीज हमारे चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस कीजिए, क्योंकि जो भी नया वीडियो आएगा आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। The temple was inaugurated in a grand ceremony on June 14, 2022 by Sri Ramnath Kovind, former President of India. He dedicated ISKCON Sri Rajadhiraja Kovind Temple and Cultural Complex in a grand ceremony of Lokapanna on the occasion of the 125th birth anniversary of His Divine Grace S.C. भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद फाउंडर आचार्य ऑफ इस्कॉन। यहाँ पर पार्किंग का कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, बहुत बड़ा एरिया है। अभी हम मंदिर के अंदर जा रहे हैं, चलिए आप भी हमारे साथ इस आध्यात्मिक यात्रा में जुड़े रहिए। मंदिर के अंदर ही आपको शूज स्टैंड मिल जाएगा, तो वहाँ पर जो आप शूज रखेंगे वो पर पेयर 2 रुपीज देते हैं। देखिए अंदर कितना सुंदर है, और ये मंदिर तिरुपति स्टाइल में ही बनाया गया है, आपको बहुत अच्छा लगेगा। इस मंदिर में मुख्य रूप से श्री श्री राधा कृष्ण चंद्र की मूर्ति की पूजा की जाती है। इसके अलावा श्री श्री नीताई गोरंग और श्री श्रीनिवास गोविंद की भी आराधना होती है। यहाँ दैनिक पूजा, आरती और कीर्तन का आयोजन होता है, जो भक्तों को आध्यात्मिक आनंद प्रदान करता है। यहाँ पर तो बड़ा बड़ा रेस्टोरेंट ऐसा अंदर कुछ नहीं है, और फूड स्टॉल आपको छोटा मिल जाएगा, जैसे और छोटा छोटा भी जैसे बुक स्टोर है और ऐसा कुछ आपको मिल जाएगा। यहाँ पर हम आफ्टरनून में गए थे, तो यहाँ पर इस्कॉन टेम्पल के द्वारा प्रसाद वितरण भी किया जा रहा था। जिन्होंने भी ये न्यू इस्कॉन टेम्पल नहीं देखे हैं, प्लीज यहाँ पर आकर विजिट कीजिएगा, क्योंकि अंदर बहुत ही आपको अच्छा लगेगा। खूबसूरत एनवायरनमेंट भी था, और ये इस्कॉन टेम्पल मीन्स और भी बनाया जाएगा, बहुत जैसे रेस्टोरेंट अवेलेबल है, जैसे अलग इस्कॉन टेम्पल में सब अवेलेबल है, और अभी भी काम वहाँ पर जारी है, और जब कंप्लीट हो जाएगा मुझे लग रहा है तो ये और भी खूबसूरत हो जाएगा, क्योंकि अभी भी बहुत सुंदर लग रहा था वहाँ पर। मेन टेम्पल में आपको फोटोग्राफी वीडियोग्राफी ये सब अलाउ नहीं है, तो हम इसलिए वीडियो नहीं बना पाए। हम जब इस मंदिर के अंदर गए तो हमें बहुत अच्छा अनुभव हुआ था, क्योंकि वहाँ पर भजन कीर्तन भी हो रहा था, और मंदिर के चारों ओर फ्लावर से सजाया गया था, वो बहुत ही सुंदर लग रहा था, पूरा कलरफुल था अंदर ही।
और बहुत भक्त जो थे वो प्रभु जी का दर्शन कर रहे थे। और वहाँ पर तो मैं आपको वीडियो नहीं दिखा पा रही हूँ, लेकिन जो अंदर का अनुभूति था बहुत ही अच्छा था। इसके साथ हम ब्लॉग को एंड करते हैं। आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज 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 हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक शेयर कीजिए। हम मिलते हैं और एक नया इंटरेस्टिंग प्लेस में। तब तक के लिए गुड बाय एंड जय जगन्नाथ।